Assalamu alaikum wa barakatuh This is Tohail Ahmad Mir. Today in this video, we are going to discuss about Afghanistan. Why? Because every year and on every channel you see Afghanistan, Afghanistan. So it becomes essential for us.

सो इफ यू सी इन नाइनटीन सेवनटी थ्री बेसिकली देर वॉज फॉल ऑफ दुनार की फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ अफग़ानिस्तान बाई दाऊद खान वहाँ पे जो मुनार सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म हुआ और वहाँ पे बुनियाद डाली गई रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान मगर किसने डाली इसकी बुनियाद इसकी बुनियाद डाली बेटा दाऊद खान ने इसके बाद हम देखेंगे नाइनटीन की तरफ तो 1978 में क्या होता है दाऊद खान वॉज एटेड मीन उसको कत्ल किया गया. 1979 में क्या होता है दू एस बैक मुजाहिदीन फाइट विद डी आर ए दट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दीज आर नॉट माई ओन वर्ड्स देर आर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स जहां पे हम ये डिटेल्स देखते हैं तो वहां पे फाइट हुई मुजाहिदीन के बीच और वहां पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ अफगानिस्तान थी उनके बीच में जंग शुरू हुई 1979 में ही क्या होता है कि जो यूएसएसआर होता है यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा सोवियत यूनियन एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक ठीक है जिसके फिर मतलब जिसकी फिर ब्रेकिंग हुई डिस हुई और फिर इससे फिफ्टीन कंट्रीज़ निकल के आई ठीक है जिनको फिर इंडिपेंडेंस मिल गई और जिसका सबसे आज ज़्यादा है ये बहुत बड़ा मुल्क रशिया ठीक है आप इसे सोवियत यूनियन बोलते हैं तो इन्होंने मुदाखलत की अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में जो जंग चल रहा था मुजाहिदीन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़ग़ानिस्तान उसमें इन्होंने मुदाखलत की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की कब से बेटा हुकूमत की वो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की 24 दिसंबर 1979 से 15 फ़रवरी 1989 तक मतलब ये जो सोवियत अफ़गान वार था ये इन दो डेट डेट्स के दरमियान चलता रहा मतलब 1979 से 1989 तक ये आप जरूर याद रखेंगे मतलब सोवियत यूनियन जो थी यूएसएसआर वो अफगानिस्तान में कब तक रहे 1989 तक ठीक उसके बाद हम देखेंगे कि 1989 में क्या होता है दू यूएसएसआर एस फ्रॉम द रीजन जो मैंने आपको अभी भी बोला कि वो यहां से फिर वापिस जाते हैं कैसे जाते हैं दे आर सो मैनी रीजन एंड दिस इज अ ग्रेट टॉपिक ठीक है ये हिस्ट्री का एक अहम टॉपिक है ये कैसे हुआ कहाँ पे हुआ इसके पीछे क्या वजूहत थे ये एक अलग सा टॉपिक है लेकिन यहाँ पे हम बस थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या हुआ बेसिकली 1992 की जब हम बात करते हैं तो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान की बुनियाद डाली गई और कि उन्होंने डाली वहाँ पे जंग लड़ रहे थे कौन वहाँ के मुजाहिदीन और उन्होंने यहाँ वहाँ पे ये बुनिया डाली इसकी इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान किस साल में 1992 में फिर 1992 से 1996 तक वहां पे सिविल वार चलता रहा कि ये पावर अब किसके हाथ में रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट मीन देयर वाज द सिविल वार ओके जंग चलता रहा वहां पे तो 1994 में फिर क्या हुआ 1994 में अगर हम देखेंगे अनाउंसिंग दी एग्जिटेंस ऑफ तालिबान इन कंदहार मतलब इसकी अनौंसमेंट हुई कि, कि कंदहार में तालिबान है मौजूद है नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में फिर क्या होता है फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक एमट ऑफ अफगानिस्तान बाई द तालिबान लीडरशिप मुला महमद उमर तो नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में जो तालिबान के फाउंडर हैं बेसिकली ठीक है जो एक अहम लीडर हैं इस रहे हैं इसके मुला महमद उमर जिनको मुल्ला उमर के नाम से भी याद किया जाता है उन्होंने वहाँ पे बुनियाद डाली किसकी बेटा इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान ठीक है बेटा इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान उसके बाद 1996 की अगर हम बात करेंगे 1996 में क्या होता है द इमोजेंस ऑफ अलकायदा इन अफगानिस्तान फिर 2001 की तरफ आइए आप क्या हुआ The U.S. that is United States invasion of Afghanistan after the 9/11 terror attacks. अटैक जब 9 11 इलेवन बेसिकली ये इलेवन डेट है नाइन बेसिकली मंथ है कौन सा महीना आता है जो aata आता है वो आता है सेप्टेम्बर दैट मीन्स चूँकि जो अमेरिका में वो जब डेट लिखते हैं वो पहले लिखते हैं मंथ फिर उसके बाद लिखते हैं डेट मतलब डे और उसके बाद ईयर ठीक है उसके बाद साल लिखते हैं नाइन तो इलेवन टेरर अटैक उसको कहा जाता है और वो कब हुआ कहां पे हुआ बेटा वो भी आपको याद रखना है बेसिकली वो जो हुआ यहां पे आप देखेंगे नेवर फॉरगेट वो किस साल में हुआ बेटा टू थाउजेंड वन में कब टू थाउजेंड वन में हुआ यहां पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन अटैक ऑन सेप्टेंबर इलेवन टू थाउजेंड वन मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये अटैक हुआ पेंटागन पे अटैक हुआ ठीक है ये लॉस एंजल टाइम्स की न्यूज थी तो अटैक कब हुआ था इलेवन को तो सितंबर आता है ये लिखते हैं ना पहले लिखते हैं ये मंथ फिर उसके बाद डे फिर उसके बाद ईयर तो इसलिए इसको हम लिखते हैं क्या नाइन इलेवन ये बात आपको जरूरी याद रखनी है क्यों क्योंकि आप अमेरिका में या हिस्ट्री में आप देखेंगे नेवेट नाइन इलेवन टू थाउजेंड वन या शॉर्टकट में नाइन इलेवन अब हम बात करेंगे बेटा 2001 की किसकी बात करेंगे 2001 की तो फॉल ऑफ तालिबान बाय द कोऑपरेशन ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नॉर्दर्न अलायंस जो तालिबान था यहाँ पे ठीक है तो उनका क्या हुआ जो उनके पास पावर था वो अब नहीं रहा ज़्यादा फॉल ऑफ तालिबान हुआ मगर किस से यू एस ने और जो नॉर्दर्न अलायंस थी ठीक है उनकी कोऑपरेशन से उनका पावर छीन लिया गया तो उसके बाद यहाँ पे अमेरिका ने हुकूमत करनी शुरू की मगर कैसे इनडायरेक्टली पहले फिर डायरेक्टली इसके भी बहुत सारे स्टेज आते हैं बहुत सारे स्टेप्स आते हैं तो फिर 2003 की हम बात करते हैं द यू एस इन्वेजन ऑफ इराक हीसली ऑफ अफगानिस्तान थ्रेट ठीक है यू एस इन्वेजन ऑफ इराक मतलब इराक पे फिर कब जब करना फिर 2006 की बात करेंगे ऑफ तालिबान बाय सीज़िंग ऑफ़ सी रीजन्स मतलब तालिबान फिर निकल के आया और उन्होंने साउदर्न रीजन मतलब अफगानिस्तान में जो साउथ साइड में ये एरियाज हैं उनको उन्होंने क्या किया सीज किया कब्जा uh, किया उन पे। 2008 की अगर आप मेरा बात करेंगे तो पीपल्स फेवर टूवर्ड्स तालिबान इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस यानी कि लोगों ने साथ लोगों ने साथ दिया किन को तालिबान को क्यों क्योंकि उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट में करप्शन सिस्टम चलता है गवर्नमेंट में करप्शन सिस्टम चलता है और मतलब वो अच्छी तरह हुकूमत नहीं कर रहे हैं हम इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट सो दे स्टार्ट फेवरिंग तालिबान फिर इसके बाद 2009 की बात करेंगे डिप्लॉइंग 70,000 मोर अमेरिकन ट्रूप्स सेवेंटी थाउजेंड मतलब सत्तर हजार अमेरिकन ट्रूप्स यहां पे डिप्लॉय किए गए कहां पे अफ़गानिस्तान में 2011 की अब बात करेंगे तो 2011 में क्या हुआ ओबामाज डिसीजन ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड ग्रेजुअल मिलिट्री इवेक्यूएशन मतलब जो बैक ओबामा थे वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट उस वक़्त उन्होंने फ़ैसला किया कि अफग़ानिस्तान से हम धीरे 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 क्या करेंगे मिलिट्री को कोट करेंगे बाहर निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा आर्मी रखी थी बहुत ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए थे सो ही डिसाइडेड टू एवेक्ट सम ट्रूप्स 2017 की अब बात करेंगे तो क्या होता है डोमिनेंस ऑफ तालिबान ओवर द हाफ ऑफ द कंट्री कंट्री के आधे हिस्से आधे हिस्से पर तकरीबन उन्होंने क्या की उसको डोमिनेट किया यानी कि उस पर वो गालिब आ गई अब 2021 की बात करेंगे तो 2021 की सारी डिटेल्स हमारे सामने हैं मतलब देयर इज टोटल डोमिनेंस ऑफ तालिबान ठीक है ये तो पहली था डोमिनेंस ऑफ तालिबान और मोर देन 80 परसेंट ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी एंड यू एस टोटल मिलिट्री इवैकेशन इसको अब हमें समझने की जरूरत है ठीक है बेटा तो 14 अप्रैल 2021 को क्या होता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है यूएसए के जो बाइडेन जिनका नाम है उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया ऐलान किया किस चीज का टू क्या बोला उन्होंने बेटा कि वो क्या करेंगे विद्रा करेंगे यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बट कब तक बिफोर बिफोर सेप्टेंबर इलेवन ट्वेंटी तक ठीक है क्यों ये डेट रखा गया क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि ये तारीख़ हिस्ट्री में बहुत अहम है नाइन एलेवन और इससे मतलब यही डेट उनके लिए एक एनिवर्सरी है मतलब इसी दिन अटैक हुआ था और उन्होंने बोला कि इसी दिन हम सारे ट्रूप्स सारा फौज अफग़ानिस्तान से बाहर निकालेंगे विदड्रा करेंगे इसलिए उन्होंने ये डेट फिक्स किया दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम ठीक है तो इसके बाद आपको याद रखना है डीमिंग द प्रोलॉन्गर एंड इंफ्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान नो लॉन्गर अलायंस विद अमेरिकन पीआरटीज तो उन्होंने फिर क्या कहा इट इज टाइम क्या बोला उन्होंने इट इज इट इज टाइम टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वार क्या बोला उन्होंने बेटा इट इज टाइम टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वार अब वक्त आ चुका है कि हम अमेरिका का जो लॉन्गेस्ट वार चल रहा है जो तकरीबन 2001 में शुरू हुआ तकरीबन 20 ईयर्स की ये जो बात है ठीक है ये जो 20 ईयर लॉन्ग टर्म है 20 इयर्स लॉन्ग टर्म ये वार है लॉन्गेस्ट वार है इसको अब खत्म करने की जरूरत है इसको अब खत्म करने की जरूरत है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बाइडन टू विद्रा यूएस एस फोर्सेज फ्राम अफगानिस्तान बाई सेप्टेम्बर इलेवन टू थाउजेंड ये द वाशिंगटन पोस्ट जो वहां पे पब्लिश होता है उसी की न्यूज है ठीक है ये मैंने आपको बता दिया तो यहां पे आप देख रहे हैं यूएस एस ट्रूप आ फाइनली विद्राइंग फ्राम अफगानिस्तान आप देख रहे हैं ठीक है सामान लेकर वो यहां से अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं तो अगस्त 2021 की बात करेंगे द तालिबान टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान कैपिटल सिटी काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है बेटा काबुल क्या है काबुल है इसकी कैपिटल काबुल ये आपको याद रखना है बेटा ऑलमोस्ट टू डिकेड्स आफ्टर दे वाइव आउट बाई यूएस ट्रूप मगर कितने सालों के बाद बेटा टू डिकेड्स डिकेड का मतलब क्या होता है बेटा डिकेड का मतलब होता है टेन ईयर्स डिकेड का मतलब क्या होता है बेटा टेन ईयर्स क्या टेन ईयर्स एक डिकेड में दस साल होते हैं मगर यहाँ पे क्या लिखा है Almost two decades. Almost two decades. मतलब टू इंटू टेन ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के बाद तालिबान ने काबुल सिटी पे कब्जा किया उसको अपने कंट्रोल में लिया और इससे पहले वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स ने इस पे कब्जा किया था मतलब अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया था प्रेजिडेंट बाइडेन सेंड्स एन एडिशनल 5000 ट्रूप्स टू एव टू यू यूएस पर्सनल फिर प्रेजिडेंट बाइडेन जो बाइडेन उन्होंने यहाँ पे एडिशनल 5000 थाउजेंड भेजे काबुल में क्यों ताकि जो वहाँ पे अमेरिका के पर्सनल हैं ठीक है उनको जो एम्बेसी में काम करते हैं या जो बाकी वीआईपीज़ हैं उनको एवेकेट करने के लिए उनको निकालने के लिए उन्होंने एडिशनल ये पाँच हज़ार ट्रूपस वहाँ पर भेज दिए ये आपको बेटा याद रखना है तो यहाँ पे ये मैंने दिखाया है तालिबान लीडरशिप स्ट्रक्चरस यहाँ पर जो तालिबान का लीडर है अमेरलमोमिन कौन है वो मौलवी अखुन अखनजादा जो फार्मर तालिबान चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वो लीडर रह चुके हैं सिंस 2016 ठीक है अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन पॉलिटिकल रिलीजियस एंड मिलिट्री अफेयर्स इनके ये डिप्टी लीडर्स हैं सिराजुद्दीन हकानी मुल्ला मोहम्मद याकूब और जो पॉलिटिकल डिप्टी हैं वो कौन है यहाँ पे ये आपको ज़रूर याद रखना है मुल्ला अब्दुल गनी बरदर जो को फाउंडर ऑफ़ द तालिबान को फाउंडर है तालिबान के हेड ऑफ़ द पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा दोहा दोहाँ पे है कतर में है जहाँ पे तालिबान का ऑफिस है ठीक है ये मुला अब्दुल गनी बरदर ये मैंने आपको क्यों बोला कि आपको यहां पे ये याद रखना है क्योंकि आगे आगे हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे यहां पे है ये मुला अब्दुल गनी बरदर और ये कौन है यहां पे आप देखेंगे दिस इज अशरफ गनी एंड ये कौन थे अफगानिस्तान प्रेजिडेंट तो यहां पे आप देख रहे हैं, तालिबान टे काबुल जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी उन्होंने मुल्क छोड़ दिया मुल्क छोड़ के वो चले गए ठीक है वहीं यहाँ पे लिखा है अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ़ गनी लीवस थैंट्री ठीक है अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए फिर वो दूसरी बात मतलब वो कहाँ पे गए थे वो पहले इधर गए थे ताजिकिस्तान लेकिन वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके फ्लाइट को लैंड करने नहीं दिया फिर वो ओमन गए ठीक है वहाँ से फिर वो कहाँ जाएंगे दैट इज़ द सेकेंडरी क्वेश्चन एंड दैट यू विल सी इन द न्यूज़ ओके यहाँ पे आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरदर वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ तालिबान और अब बात आती है कि यहाँ पे चाइना चाइना इज चाइना तैयार है टू रिकोगनाइज द तालिबान एज एजटीमेट मतलब अब जैसे आपको मालूम है कि तालिबान ने यहाँ पे अब हुकूमत की ठीक है हुकूमत करने लगे वो यहाँ अफगानिस्तान में अब उनको रिकोगनाइज कौन कौन करेगा दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम ठीक है नॉट ओनली दिस बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द कंट्रीज टू एक्सेप्ट इट टू रिकॉग्नाइज इट क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ये कहते हैं कि दे आर टेरोरिस्ट अकॉर्डिंग टू दम ठीक है वो कहने कि वो टेरोरिस्ट हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम मतलब अफगानिस्तान को एज अ कंट्री कंसिडर नहीं करेंगे यहां पे आप देखेंगे विकीपीडिया पे अगर आप लिखेंगे तो वहां से आप देखेंगे कि अब जो नाम है क्योंकि तालिबान ने इसका नाम चेंज किया दे हैव चेंज द नेम ऑफ अफगानिस्तान और नाम क्या रखा इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान और इससे पहले क्या था अगर आप देखेंगे यहां पे ठीक है यहां पे अगर आप देखेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान 2004 से 2021 तक ठीक है बेटा ये आपको जरूरी याद रखना है इसके बाद आप यहां देखेंगे इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान ठीक इज एन इस्लामिक स्टेट गवर्नर बाय द तालिबान दैट इज द डिफेक्ट करंट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान सिंस फिफ्टीन अगस्त ये आपको जरूरी याद रखना है कब से फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्योंकि इसी दिन उन्होंने कब्जा किया काबुल पे द तालिबान प्रीवियसली दालिबान द कंट्री अंडर दिस नेक नाइनटीन नाइनटी सिक्स से नाइनटीन नाइनटी सिक्स से टू थाउजेंड वन तक वो इसी नाम के तहत वो वहाँ पे हुकूमत करते थे 1996 से 2001 तक इमेरिट ऑफ अफगानिस्तान ठीक है ये आपको जरूरी याद रखना है यह है उनका फ्लैग तालिबान का जो उन्होंने बोला कि हम यही फ्लैग रखेंगे किसके लिए उन्होंने ये बोला ये हम रखेंगे बेटा ये अफगानिस्तान के लिए और ये कोट ऑफ आर्म्स है जो लोगो रहेगा मोटो क्या है इसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एंथम में आप देखेंगे नन म्यूजिक इज फॉरबिडन ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि आप जब भी कोई चैनल आप खोलते हैं कहीं पे मोबाइल पे भी आप कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो सिर्फ वहाँ पे यही न्यूज़ चलती रहती है इसी के बारे में डिस्कशन रहता है तो ये हर किसी के लिए जरूरी है कि वो अप टू डेट रहना चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में इंसान को ये मालूम होनी चाहिए दैट इज़ वाई इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दीज डिटेल्स ठीक है आपकी अगर कोई ऑप्शन होगी या कोई सजेशन होगी रिगार्डिंग द वीडियो ठीक है या रिगार्डिंग एनीथिंग ऑलस यू कैन कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए असल